बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने चैप्टर नंबर 10 में सिंगल सैंपल विद सिंगल पॉपुलेशन को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 11 में आप ये थोड़ी सी एक्सटेंशन हो जाएगी, दो पॉपुलेशन को आपने कंपेयर करना है। उसके लिए ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। शबान पढ़ेंगे एग्जांपल, पढ़ें एग्जांपल नंबर 1 पढ़ेंगे। Is there a difference in the mean value of residential real estate sold by male agents and female agents in South Florida? अब यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपको दो population दी हुई हैं, दोनों हैं sales agent ही हैं, लेकिन एक male की population है और दूसरी female की, और यहाँ पे इन दोनों को compare करना है। सेकंड पढ़े। Is there a difference in the mean number of defects produced on the day and the afternoon shifts at Kimball Products? जी, अब यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, कौन कौन सी है? एक नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की प्रोडक्शन डे में और आफ्टरनून शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे दो पॉपुलेशन को कंपेयर करना है। थर्ड पढ़े। Is there a difference in the mean number of days absent between young workers under 21 years of age and older workers more than 60 years of age in the food, the fast food industry? इसमें कौन कौन सी दो पॉपुलेशन दी हुई है आपको? Young workers and old workers. जी, उनकी absentees। और पढ़ें। Yes. Is there a difference in the proportion of Ohio State University graduates and University of Cincinnati graduates who pass the state certified public announcement accountant examination on their first attempt? यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन दी हुई है? सही है, दो यूनिवर्सिटीज के दरमियान, ग्रेजुएट्स के दरमियान। जी बिल्कुल। और नंबर 5। Is there an increase in the production rate if music is piped into the production area? यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्शन रेट विदाउट म्यूजिक एंड प्रोडक्शन रेट विद म्यूजिक, यानी वो कह रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन एरिया में म्यूजिक लगा दें तो क्या आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगी? इसका मतलब है फिर आपने दो चीज़ों से कंपेयर करना है, प्रोडक्शन रेट विदाउट म्यूजिक एंड प्रोडक्शन रेट विद म्यूजिक। विद म्यूजिक, ठीक है। तो ये जो पाँचों एग्जाम्पल है इसमें दो पॉपुलेशन और दो सैम्पल्स हैं, इनको आपने डिस्कस करना है। एग्जैक्टली वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। 6 के 6 स्टेप्स आपने करने हैं। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपसे शेयर करने लगा हूँ, इससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। जी ये पढ़े जी। A sample of 40 observations is selected from one population with a population standard deviation of 5. The sample mean is 102. A sample of 50 observations is selected from a second population with a population standard deviation 6. The sample mean is 99. Consider the following test of hypothesis using the 0.04 significance level. उसने आपको हाइपोथेसिस दे दिया है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या दोनों पॉपुलेशन के मीन डिफरेंट हैं। ये आपका क्या बन गया है? ये आपका बन गया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और दूसरा है कि क्या दोनों पॉपुलेशन के जो मीन है वो बराबर है, तो ये आपने प्रूव करना है। नल हाइपोथेसिस है। अच्छा यहाँ पे चेक करें शबान, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन है या अननाउन है? सैंपल ऑफ 40
सर नाउन है इसमें, नाउन है स्टैंडर्ड फाइव। ठीक है, मैं जरा इसको शार्ट करता हूँ। तो स्टेप वन पे आप लोग अब क्या करते हैं सर? नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। वो हमने क्रिएट कर दिया। यस सर। कि क्या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों पॉपुलेशन के मीन एक दूसरे से डिफरेंट है, और नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि नहीं जी डिफरेंट नहीं है, बराबर है। सिग्निफिकेंस लेवल क्या दिया आपको न्यूमेरिकल में? 0.04 आपको दिया हुआ यहाँ पे। तो आपने स्टेप नंबर टू पे क्या लिख लिया? सिग्निफिकेंस लेवल 0.04। स्टेप नंबर थ्री में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को चूज करना है, और यहाँ पे सिग्मा नाउन है। यस सर। सिग्मा नाउन है तो फॉर टू पॉपुलेशन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होगी? जी इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। एक्स बार वन क्या है? इट इज अ सैंपल मीन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन। एक्स बार टू क्या है? इट इज अ सैंपल मीन ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। सिग्मा वन स्केयर क्या है? इट इज अ वेरियस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन। एन वन क्या है? इट इज अ सैंपल ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन। सैंपल साइज सिग्मा टू स्केयर क्या है? इट इज अ वेरियस ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। और एन टू क्या है? इट इज अ सैंपल साइज ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। आपको सैंपल मीन भी कैलकुलेट करना आता है और आपको वेरियस भी कैलकुलेट करना आता है, लेकिन इस केस में आपको वो सारी ऑब्जर्वेशन उसने कैलकुलेट करके दे दी हुई है। तो याद रखें कि सिग्मा नाउन हो तो थर्ड स्टेप में जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करनी है दैट इज जी इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार होल डिवाइड बाय सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू होल अंडर रूट। जी फोर्थ स्टेप पे आपने क्या करना होता है सर? डिसीजन रूल जो है वो फॉर्मुलेट करना होता है। डिसीजन रूल, तो आप बताएंगे डिसीजन रूल कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? सर उससे देख के, सर इसमें टू टेल टेस्ट है ना? जी टू टेल टेस्ट है। अगर आप चेक करें इट इज अ टू टेल टेस्ट, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डायरेक्शन नहीं दी हुई तो ये टू टेल टेस्ट है। मतलब जो आपका अल्फा है ये दोनों साइडों के ऊपर होगा या रिजेक्शन रीजन दोनों साइड पे होगा। यस सर। अब आप लोगों ने ये कैसे मालूम किया था क्रिटिकल वैल्यू? सही है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आप इसको टी के टेबल से भी मालूम कर सकते हैं और जी के टेबल से भी मालूम कर सकते हैं। तो टी के टेबल में से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि सम टाइम्स उसमें कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई। तो आज मैं ये जो है आपको जी के टेबल से जो है वो कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि जी के टेबल से आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आसान है क्योंकि आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये मेथड अडॉप्ट किया था। सिंपली आपने क्या करना है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो आप अल्फा को टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अल्फा हमारा क्या है? 0.04। ये अल्फा और सिग्निफिकेंस लेवल सेम ही है। टू से डिवाइड किया आंसर क्या आ गया?
0.02। स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, 0.5 में से 0.02 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0.48। अब 0.48 को आपने Z के टेबल में जाके चेक करना है। जी 0.48 कहाँ पे आ रहा है? शुभांग सर आपको नजर आ रहा है? यस सर, 0.4 सर ऊपर, सर फिफ्थ रो में 0.4 सर मुझे देख। अच्छा ये 0.4803 टू, इन दोनों के बीच में है तो इसका जो अपर है वो हम ले लेते हैं 2.0 और यहाँ पे आ रहा है 0.06। यानी अगर मैं यहाँ पर निशान लगा दूँ तो ये 2.0.48 ये वाला तो 0.4803 ये क्या आ गया 2.06। मैं मेथड रिपीट कर रहा हूँ, आपने करना क्या है, आपने सिग्निफिकेंस लेवल को 2 से डिवाइड करना है, दैट इज 0.04 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.02। 0.02 को 0.5 में से माइनस किया आपने तो आंसर आ गया 0.48। अब इस 0.48 को आपने Z के टेबल में जाके चेक करना है, तो Z के टेबल में 0.480 तकरीबन जी है 0.4803, हम इसको 2.06 लिख लेते हैं 2.06। आपने वैसे दूसरा तरीका भी पढ़ा था जिसमें आप जो है वो T के टेबल में इन्फिनिटी में जाके चेक करते थे, वो तरीका भी ठीक है लेकिन वहां पे कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार के सर कुछ वैल्यूज नहीं दिए, फिर हम ये वाला तरीका देख लेते हैं, ये वाला Z वाला, क्योंकि Z में जाओ तो तकरीबन आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये हमने क्रिटिकल वैल्यू 2.06 मालूम कर लिया है, अब इट इज टू टेल टेस्ट, तो प्लस 2.06 एंड माइनस 2.06, हम दोनों साइडों पे जब हम लिख दिया हमने। स्टेप नंबर फाइव में हम क्या करेंगे, जी स्टैट्स फाइंड करें। जी तो जी स्टैट की तमाम वैल्यूज आपको दी हुई है, अगर आप चेक करें मैं तमाम वैल्यूज यहां से ली हैं, एन वन फर्स्ट पॉपुलेशन का फर्स्ट सैंपल का जो एन है वो 40 है, दूसरे का 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपको दिया हुआ 5 है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो वेरियस कैसे फाइंड करते हैं?
अगर आपको जी बताएंगे आप शिवान ना सर, इसका समझ नहीं आया यार। सिंपल है, जब आप वेरियंस निकाल, आपके पास वेरियंस की वैल्यू दी हो तो आप क्या करते हैं, आप अंडर रूट लेते हैं, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप वेरियंस का क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लेते हैं तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे। जब आपने अंडर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया है तो इसी तरह अगर आपने वेरियंस मालूम करना है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा तो आप उल्ट करेंगे ना इसका, यस सर, यानी आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हमने क्या किया, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 5। तो हमने 5 का स्क्वायर ले लिया, 25। सेकंड पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 6। तो 6 का स्क्वायर लिया तो 36। तो हमने ये तमाम वैल्यूज जो है वो पुट कर दी है, आंसर आ गया 2.57। जी मरियम, सेक्शन ए से अपना हैंड रेज करें जरा। मरियम सेक्शन ए से अपना हैंड रेज करें। PBAF 1722 मरियम, अपना हैंड रेज करें। जी शिबान, मैं आपसे बात पूछता हूँ, आई थिंक इज इट फेक अकाउंट, जी शिबान आप बताएं। तो इसकी समझ नहीं आई है जो आपने भी समझा है, क्या समझ नहीं आई आपको सर, ये इसका वेरिएंस क्यों लेना है? सिग्मा वन स्क्वायर फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, अगर आप चेक करें टेस्ट स्टैटिस्टिक में तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा वन स्क्वायर है ना, यस सर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरियंस नहीं होता, यस सर, ठीक है। तो सिग्मा वन स्क्वायर है, आपको दिया हुआ है सिर्फ सिग्मा, तो सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है ऑफ पॉपुलेशन, और सिग्मा स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरियंस, वेरियंस। तो सिग्मा नाउन है तो हमने सिंपली क्या किया, सिग्मा का स्क्वायर ले लिया। जी ज्योत इजाज़,
सर ये जो 0.5 में से माइनस करना, जब हमने जी की वैल्यू में से देखना है सिर्फ, तब हमने 0.5 में से माइनस करना है उसको। जी बिल्कुल, अगर आप जी का टेबल इस्तेमाल करें तो फिर तब आपने 0.5 में से माइनस करना है। ठीक है अगर आप पी का टेबल यूज करेंगे तो फिर पी में आपने चेक करना है कि इट्स अ वन लेवल टेस्ट और टू लेवल टेस्ट। फिर आपने आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या सिग्निफिकेंस लेवल है वो देखना है आपने, और उसको इन्फिनिटी में जाके चेक करना है। उसके हवाले ठीक से है मेरी सर। रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर वो कुछ न्यूमेरिकल्स का जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर ये मैंने दूसरा मेथड जो है वो आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है तो वो मैंने अडॉप्ट किया है। उसमें मैंने जो है ठीक है वो सर। फिर जी का टेबल इस्तेमाल किया है, तो आंसर दोनों का सेम है, यानी दोनों केसेस में क्रिटिकल वैल्यू सेम आती है, इसलिए ये कोई इशू नहीं है। जी शबान, यस सर। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने वैसे थोड़ा सा समराइज किया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर सिग्मा नाउन हो फॉर सिंगल पॉपुलेशन तो हम ये इस्तेमाल करते थे, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। और अगर सिग्मा अननाउन हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू और एस ओवर अंडर रूट एन। और अगर ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दी हो तो जी इज इक्वल टू पी माइनस पाई डिवाइड बाई होल अंडर रूट पाई इंटू वन माइनस पाई ओवर एन। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी है। यस सर। और जो अगर आपके पास टू पॉपुलेशन है अगर आपके पास फोर पे जाए तो अगर टू पॉपुलेशन है और सिग्मा जो है वो नाउन है, आपने क्या जी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार वन माइनस एक्स बार माइनस एक्स बार टू डिवाइडेड बाय सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन। सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। सिग्मा टू स्केयर ओवर एन टू। अभी हमने इसकी पी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। स्टेप वन पे सिग्निफिकेंस लेवल क्या आपका, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, क्या बात 0.04। 0.04। जी की वैल्यू क्या आपके पास आई है, जी टेस्ट 2.57। 2.57। अब इस 2.57 को हम कहाँ पे चेक करेंगे, सही स्टैटिस्टिक्स टेबल। जी के टेबल में हम इसको चेक करते हैं। 2. वैसे तो यहाँ पे 0.4938 दिया हुआ है, लेकिन मैं टेबल से वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। टू पॉइंट फाइव सेवन है, टू यस सर। पॉइंट फाइव सेवन ये 2.5 है, और सेवन को देखें तो 0.07। टू पॉइंट
7 क्या वैल्यू आ रही है? 0.4939 0.4938 लेट मी चेक ये 0.4949 हम यही लेते हैं 0.4949 अब हम क्या करेंगे इसको 0.5 में से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा में से 0.4949 माइनस करें क्या आंसर आता है 0.00001 अब ये वन टेल है या टू टेल है सर टू टेल तो फिर हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपकी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.002 तो पी वैल्यू क्या कह रही है अगर आप पी वैल्यू की बात करें और सिग्निफिकेंस लेवल ये पी वैल्यू कह रही है कि सिग्निफिकेंस लेवल से ये कम है और सिर्फ काम नहीं है अच्छी खासी काम है जो आपने क्लेम किया ना एच नॉट को जर्क करने का उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है ये 0.002 आ रही है और ये 0.04 आ रही है क्लियर है जी आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन शुभान के अलावा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहे तो जी जोदत सर अगर पी वैल्यू बढ़िया आ जाती है या इसके बराबर आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे जोदत अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड किए हैं तो वहां पर मैंने बताया था कि पी वैल्यू जो है वो बेसिकली आपको स्ट्रेंथ बताती है ठीक है ये जो आप क्लेम पहले करते हैं ना स्टेप नंबर 6 में कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया या फेल टू रिजेक्ट उस क्लेम की स्ट्रेंथ क्या है मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने क्या किया यहाँ पे आपने क्लेम किया है प्रीवियसली यहाँ पे आपने क्लेम क्या किया रिजेक्ट एच नॉट अब आपने एच नॉट को रिजेक्ट किया इसकी स्ट्रेंथ क्या है उसकी स्ट्रेंथ हमने चेक की तो पता चला कि जो पी वैल्यू है वो 0.002 आ रही है जबकि जो आपकी सिग्निफिकेंस लेवल है वो 0.04 है
उसका मतलब ये है कि आपके क्लेम की स्ट्रेंथ ज्यादा है. जैसे जैसे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है, एक्सपोज करें यहाँ पे आंसर आता 0.03, एक्सपोज करें, तो तब भी आपने एच नॉट को रिजेक्ट ही करना था. लेकिन यहाँ पे जो आपके क्लेम की जो स्ट्रेंथ है वो पहले से कम हो गई है. अगर ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, तो तब भी आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, आप एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन आपकी जो क्लेम की स्ट्रेंथ है वो मजीद कम हो जाएगी. लेकिन जैसे ही आ जाए 0.041 हो जाए, तब फिर आप क्या करेंगे, यानी ये साइड बड़ी होगी है, ये साइड जो है वो छोटी होगी है, तो आप एच नॉट को रिजेक्ट करने में फेल हो जाएंगे. अब जैसे जैसे ये साइड बड़ी होती जाएगी, तो जो आप एच नॉट को रिजेक्ट करने में जो फेल हो रहे हैं, तो वो जो क्लेम है उसकी स्ट्रेंथ ही आपको बता रही है. यानी यहाँ पे 0.041 में आपने स्टेटमेंट क्या दी, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ऐसे दिया ना. अब ये आपको बता रही है कि आपके इस क्लेम की स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ थोड़ी है. अगर सपोज करें ये होता 0.1 होता है, और ये होता 0.04, तो हम कहते हैं जी जो हमने क्लेम किया ना कि एच नॉट को रिजेक्ट करने में फेल हो गए हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. यानी ये जो आपको स्टेटमेंट यहाँ पे मिलती है ना पी वैल्यू की, ये बेसिकली स्टेप नंबर 6 को वेरीफाई करती है, उसी को करती है. लेकिन आपको